नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है कौन से चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कक्षा 10 के विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोग इस चैप्टर में प्रकाश, प्रकाश स्रोत और प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम, मतलब प्रकाश किस माध्यम से होकर गुजर रहा है, मतलब कोई भी प्रकाश जैसे निर्वात में गुजर रहा है या कोई पारदर्शक पदार्थ है या कोई लकड़ी से गुजर रहा है, मतलब ये अलग अलग तरह के माध्यम होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। देखिए, प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा होगी कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये जो है तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, उसके बाद पराभासक और पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आर पार पूरी तरह से निकल जाए, और पराभासक मतलब कुछ प्रकाश उसे ऑब्जर्व कर लेगा या और कुछ प्रकाश को जो है वो बाहर निकाल देगा, और अपारदर्शक मतलब कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं निकल पाएगा उसे हम बोल देंगे अपारदर्शक माध्यम। आइए इन सभी परिभाषाओं को आप लोग नोट कीजिए हमारे साथ। देखिए, प्रकाशिक माध्यम लिख लीजिए कि प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, लिख लीजिएगा कि ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है, नोट कीजिएगा, पहला जो है आपका पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, TRANSPERENT MEDIUM। ट्रांसपेरेंट मीडियम, देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक और मीडियम मतलब माध्यम। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग वायु, जैसे देखते हैं कि वायु से होकर जो है प्रकाश पूरी तरह से आर पार निकल जाता है, उसके बाद कांच, आदि। ये हो गया पारदर्शक माध्यम के लिए परिभाषा कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। उसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा माध्यम, पराभाषक माध्यम। पराभाषक माध्यम, देखिए पराभाषक, पराभाषक का मतलब भी होता है कि कुछ वो ऑब्जर्व करेगा अपने अंदर और कुछ को बाहर निकालेगा। जैसे आप लोग दूषित जल को ले लीजिएगा, दूषित जल हो जाएगा, उसके बाद घिसा हुआ कांच या तेलीय कागज। लिख लीजिएगा परिभाषा कि जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पराभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, जैसे में लिख सकते हैं आप लोग दूषित जल। दूषित जल का मतलब कि जल के अंदर कुछ अन्य कण भी मिले हैं तो उसको दूषित जल बोल देंगे। उसके बाद अगला लिख लीजिए घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ क्या ले लेंगे? कांच। उसके बाद अगला तेलीय कागज। इस प्रयोग को जो है आप लोग बचपन में बहुत किए होंगे, जैसे कोई कागज लेके उसको तेल में भिंगा के या तेल के कुछ छिड़काव करके देखे होंगे कि वो प्रकाश को जो है पूरी तरह आर पार नहीं भेज पाता है, तो वो क्या हो जाएगा? पराभाषक माध्यम। और पारदर्शक माध्यम तो सभी लोग देख रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है आ रहा है वो किस माध्यम से होकर आ रहा है? पारदर्शक माध्यम से होकर आ जा रहा है। अब उसके बाद तीसरा जो है आप लोग को पढ़ना है, अपारदर्शक माध्यम। क्या पढ़ना है? अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। देखिए अपारदर्शक नाम से यह स्पष्ट है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरे उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम। जैसे आप लोग का हो जाएगा लकड़ी, लोहा आदि। लिख लीजिए परिभाषा जिन माध्यमों से प्रकाश
कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे हो गया लकड़ी, उसके बाद अगला लिख लीजिएगा लोहा आदि, बहुत सारे हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग जो है अगला हेडिंग जो है पढ़ना है प्रकाश किरण, मतलब प्रकाश जो आता है किरण के रूप में आता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। लिख लेंगे आप लोग कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। तथा प्रकाश किरणों के जब कई सौ समूह हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे प्रकाश पुंज। परिभाषा लिख लीजिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। हो गया। तथा जब कई किरण आ जाएंगी तब उसको बोल देंगे प्रकाश पुंज। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए पहला जो है आपको अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज
मतलब जब प्रकाश क्या होंगे, एक बिंदु पर आएंगे तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ध्यान देखिए, इसमें ऐसे होगा कि मतलब कई किरणें जो है एक बिंदु पर आके मिलती हैं। जैसे आप लोग उत्तल लेंस में देखते हैं, उत्तल लेंस जब किसी प्रकाश के आगे लगा देते हैं तो वो क्या करता है, सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, तो उस किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक इसी प्रकार इसके उल्टा, अगर अवतल लेंस आप लोग लगाते हैं तो अवतल लेंस क्या करता है, वो उसको उन किरणों को फैलाने का काम करता है। मतलब ये वो एक पॉइंट से क्या करेगा, कई जगह दूसरे दिशा में भेज सकते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश क्या है हमारे लिए, अभिसारी है या अपसारी, तो मतलब सूर्य की प्रकाश क्या है, एक बिंदु से चारों दिशा में फैल रहा है तो उसको बोल देंगे अपसारी प्रकाश पुंज है वो। जैसे बल्ब हो गया, तो बल्ब की रोशनी भी कई दिशा में फैलती है तो वो भी क्या हो जाएगी, अपसारी। उसके बाद एक तो और पढ़ना है आप लोगों, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर में जो है सभी किरणें समांतर चलती हैं, लिख लीजिए सभी की परिभाषा, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को कौन सा बोल देंगे, प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इस चित्र को बना लीजिएगा। देखिए अभिसारी प्रकाश मतलब कई किरणें जो है आके एक पॉइंट पर मिल रही है तो ये क्या हो जाएगी, अभिसारी। उसके बाद अगला आप लोग को दूसरा पढ़ना है, अपसारी। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा, ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैलेगा तो उसको बोल देंगे अपसारी प्रकाश पुंज। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है मतलब कहने का है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें मतलब सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को कौन से प्रकाश पुंज बोल देंगे, अपसारी लिख देंगे, अप
सारे प्रकाश, और साथ में क्या लिख लेंगे, पुंज। कहते हैं, इसका चित्र हो जाएगा ठीक इसके विपरीत, मतलब एक बिंदु से वो क्या होंगे, कई दिशाएं में जो है जाएंगी, या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जैसे यहां से किरण इधर आ रहा है, फिर इधर इधर इधर, ठीक है। इस तरह से अभिसारी हो गया अपसारी। अब एक तो और पढ़ना है आप लोग को, समांतर प्रकाश पुंज। देखिए अगला जो है तीसरा आप लोग पढ़ना है, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज के लिए परिभाषा हो जाएगा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको भी लिख लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या करेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका भी फिगर बना लीजिए, सभी कीड़ों को एक दूसरे के समांतर केवल दिखा देना है, हो गया। कल आप लोग को जो है प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में बताया जाएगा आप लोग को। अब कहानी खत्म, चलो।